हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की। तो आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो विद्या है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी, अरमान को देखेगी और अरमान खुश होगा विद्या को देख कर। रूही अरमान का ख्याल रखेगी और वो बाद में डिसाइड करेगी कि वो अपने और अरमान के रिलेशनशिप के बारे में विद्या को ही बताएगी। अभीरा यहाँ भगवान से कहती है कि आप विद्या और माधव पापा को एकदम सही सलामत रखना, उनका रिश्ता बनाए रखना। वो कहती है अरमान को भी खुश रखना। रूही विद्या से कहती है कि शादी से पहले मेरी और रोहित की, मैं और अरमान एक दूसरे से प्यार करते थे और अरमान ने अपने भाई रोहित के लिए अपना प्यार सेक्रीफाइस कर दिया। विद्या ये सुनकर के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि रूही क्या तुमने रोहित से शादी की थी इसीलिए? रूही कहती है कि अरमान रोहित का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। विद्या रूही से कहती है कि तुमने आखिर यहाँ पर इतने दिनों तक ये बात क्यों छुपाई? विद्या रूही से कहती है तुम सेम घर में इसलिए रह रही थी? रूही अश्योर करती है कि लेकिन मैंने कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करी अरमान के साथ। अभीरा यहाँ अपना एडमिट कार्ड ढूंढती है। विद्या रूही से कहती है तुम्हें अब क्या चाहिए? रूही एक्सप्रेस करती है अपनी डिज़ायर। वो कहती है कि मुझे अरमान से शादी करनी है। संजय को पता चलता है कि मनीष ने पैसे दिए हैं कृष को और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। संजय डिसाइड करता है कि वो मनीष को सबक सिखाएगा इस मैटर में इंटरफेयर करने के लिए। काजल कहती है अरमान से कि तुम सिचुएशन को हैंडल करो। मनीष जी के जहाँ जा कर के वो अरमान को बताती है कि मनीष जी ने कृष को पैसे दिए हैं। विद्या और माधव यहाँ पर एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते हैं। विद्या रिमेम्बर करती है रूही की डिमांड और वो बेचैन हो जाती है। रूही सोचती है यहाँ पर अरमान के साथ उसके रिश्ते की बात। संजय यहाँ पर ग्रेट क्रैश करता है गोयनका हाउस में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो सारी चीज़ें तोड़ता फोड़ता है, मनीष जी को आवाज़ लगाता है और वो कहता है कि कहाँ गए आप, कहाँ छुप कर बैठे हैं? बेटे की मदद करेंगे, बाप से नहीं मिलेंगे। और मनीष इतना शोरगुल देख कर के शौक हो जाता है, वो संजय को वहाँ देख कर समझ जाता है। रूही यहाँ पर अभीरा का एडमिट कार्ड देती है। अभीरा रूही से कहती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो? रूही बताने से मना कर देती है। विद्या कहती है कि अरमान संजय के यहाँ पर, मतलब संजय की सिचुएशन को हैंडल करने गया है गोयनका हाउस। मनोज और मनीषा यहाँ पर काजल से इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछते हैं अरमान का। विद्या सोचती है कि रूही और अरमान का आखिर क्या होगा। संजय या मनीष से कहते हैं कि आखिर आपने किश की बर्बाद क्यों की ज़िंदगी? मनीष कहते हैं कि मैंने तुमसे थोड़ी सी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की थी संजय। संजय या मनीष के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। अरमान स्टैंड लेता है क्रिश के लिए। वो कहता है कि संजय जी, आप अगर फूफा सा अपने बेटे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोई तो करेगा ना। संजय कहते हैं कि क्रिश चाहता है कि मैं उसके डांस स्किल को सपोर्ट करूं। अरमान कहता है कि आपको मनीष जी से माफ़ी मांगनी होगी। संजय कहते हैं कि बल्कि इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मनीष कहते हैं संजय से कि अपनी औकात में और लिमिट में रहो। अरमान माफ़ी मांगता है संजय से, मनीष से, संजय के बिहाफ पर। मनीष यहाँ पर अरमान को उल्टा लताड़ता है अभीरा का दिल तोड़ने के लिए। रूही भगवान से प्रार्थना करती है अरमान की खुशी की। विद्या यहाँ पर कावेरी को रूही और अभीरा की शादी के बारे में बताती है और अभीरा शॉक रह जाती है। विद्या कावेरी को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अब ऐसे में देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कावेरी का क्या जवाब होता है। वेल, फिलहाल तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।